नमस्कार, आप देख रहे हैं टैलेंटेड इंडिया न्यूज और मैं हूं आपका साथी विश्वंबर तिवारी। चाइना के वुहाना शहर से शुरू हुआ कोरोना वायरस इतना भयानक हो जाएगा ये किसी ने कल्पना नहीं करी थी। एक देश से शुरू हुआ ये वायरस धीरे धीरे दुनिया के 25 देशों जिसमें फिलीपींस, हांगकांग, सिंगापुर, अमेरिका, भारत जैसे देशों में फैलता चला गया। हालत इतने बदतर हो गए हैं कि अकेले चाइना में इससे संक्रमित लोगों की संख्या 75,000 हो गई है। इतना ही नहीं, मरने वालों का आंकड़ा 2,000 से ज्यादा हो रहा है, ये एक सरकारी आंकड़ा है। खौफ इस कदर बढ़ गया है कि चाइना में लोगों ने अपने जहाज भेजना बंद कर दिए हैं, किसी भी तरह का संबंध चाइना से नहीं रखा जा रहा है। इस बीच जापान का एक जहाज जिसका नाम डायमंड प्रिंसेस था वो चाइना गया था। चाइना जब वो वहां पहुंचा ही था कि उसमें संक्रमण का पता चला, 137 लोगों को संक्रमण हुआ है। तत्काल उस जहाज को वापस बुला लिया गया और उसके बाद से वो योकोहामा में खड़ा हुआ है। उसके अंदर जो 3711 लोग हैं उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है क्योंकि 137 लोग उसमें संक्रमित हो चुके हैं। ताजा आंकड़ों के अनुसार अभी एक दुखद खबर ये आई कि उन संक्रमित लोगों में से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। इतना ही नहीं, इसमें 138 भारतीय भी हैं जिनमें 132 मुसाफिर हैं और 6 क्रू मेंबर हैं। ये भी उसी जहाज के अंदर कैद हो गए हैं और इनमें भी दुखद खबर यह है कि 7 लोगों में कोरोना वायरस के लक्षण पॉजिटिव पाए गए हैं। इन सब दुखद बातों के बीच में इस जहाज डायमंड प्रिंसेस के अंदर से एक जहाज इस जहाज से इन सब दुखद बातों के बीच में डायमंड प्रिंसेस जहाज के बीच से एक भारतीय का वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। ये जो भारतीय है इनका नाम है विनय कुमार, ये पश्चिम बंगाल के हैं। ये अरिजीत सिंह के बड़े दीवाने हैं और इस दुख भरे माहौल में लोगों को हिम्मत देने के लिए, अपने साथ वालों की हिम्मत बनाए रखने के लिए, हौसला बनाए रखने के लिए अरिजीत सिंह का एक गीत गा रहे हैं। उस गीत के बोल है चल घर चले मेरे हमदम, और ये गीत गाकर वो इसे लोगों तक पहुंचा रहे हैं। उनका ये वीडियो सब जगह शेयर हो रहा है, लोग इस वीडियो को बेहद पसंद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं इसमें कि टेंशन लेने की बात नहीं है, हम सब घर जाएंगे, हम 138 इंडियंस घर जाएंगे, लेकिन थोड़ा तो खुश होना चाहिए, खुश होने के लिए एंटरटेनमेंट जरूरी है, थैंक यू अरिजीत। ये कहकर वो गीत गाते हैं। सबसे पहले आप उनका ये वीडियो देखिए। कल पल मेरे तेरे ही संग बिताना है, अपनी वफाओं से तुझे सजाना है। दिल चाहता है तुझे कितना बताना है, हाँ तेरे साथ ही मेरा ठिकाना है। अब तक झुके हैं ये कदम, चल घर चले मेरे हमदम, होंगे जुदाना जब तक है दम, चल घर चले मेरे हम दम, ताउम्र प्यार ना होगा कम, चल घर चले मेरे हम दम। तो देखा आपने कैसे विनय कुमार अपने गीतों के माध्यम से लोगों को हिम्मत दे रहे हैं। उनका ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है और लोग इसमें तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। इतना ही नहीं, लोग इसमें न केवल उनके इस हौसले इस जज्बे की तारीफ कर रहे हैं बल्कि दुआ मांग रहे हैं कि वहां जो 3711 लोग जो वहां पर हैं जिनमें से 2 लोगों की मौत हो चुकी है, 137 संक्रमित हो गए हैं, ये सभी लोग सकुशल अपने घर पहुंच जाए। भारत सरकार द्वारा भी लगातार जापान सरकार से संपर्क किया जा रहा है और उस जहाज में मौजूद 138 हिंदुस्तानियों को सकुशल भारत लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे रूबरू होंगे, तब तक देखते रहिए टैलेंटेड इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।